राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल को लेकर भाजपा आक्रामक तेवर में दिख रही है। भाजपा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा की महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा शीश महल के मुद्दे को लेकर रोहिणी सेक्टर 7 में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विभिन्न मोर्चों पर फेल रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल में लगा दिया, जिसका जवाब जनता को उन्हें देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। देखिए, बहुत ही हैरानी और परेशानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार की एक प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने शीश महल में, राजमहल में 5 टॉयलेट बनवाए, 15 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ और 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट उसमें लगी। अभी तक रिमोट से टीवी चलता था, रिमोट से एसी चलता है, लेकिन ये लोगों की जानकारी में पहला है कि रिमोट से टॉयलेट भी चलता है। उसके अंदर पानी ठंडा आएगा कि गर्म आएगा, कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, कम प्रेशर से आएगा कि ज़्यादा प्रेशर से आएगा, सीट उठानी है तो रिमोट काम आएगा। ये केजरीवाल जी बताएं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने 16 टीवी लगाए, 16 टीवी एक घर में, घर थोड़ी ना राजमहल है, 16 टीवी, 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे, दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई है। अगर यही पैसा दिल्ली के विकास पर लगता, बुजुर्गों को पेंशन पे लगता, तो शायद दिल्ली के लोगों में खुशहाली आती। मुख्यमंत्री आतिशी, उनके तमाम मंत्री जो केजरीवाल के पिछलग्गू हैं, प्यादे हैं, उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सत्येंद्र जैन, ये कोटरी है भ्रष्टाचारियों की, जो दिल्ली को लूट रही है, दिल्ली को खा रही है, दिल्ली को दीमक की तरह खोखला कर रही है। मैंने इस मामले में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की है और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में, केजरीवाल के इस ताबूत में ये शीश महल का मुद्दा आखिरी कील की तरह साबित होगा। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व उपमहापौर नीलम गोयल, निगम पार्षद परवेश वाही और तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपना प्रदर्शन दिखाया और सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरीके का मुख्यमंत्री है। हमारा मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, गरीबों का रहनुमा बनकर सत्ता पर आया था, लेकिन किस तरीके से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहता था। दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी बना नहीं पाए, लेकिन अपने शीश महल को वर्ल्ड क्लास जरूर बना दिया। आप देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता भी जानती है किस तरीके से उनकी गाड़ी पसीने की कमाई को शीश महल में लगाया गया है। 13 करोड़ के पर्दे, सोफे, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट, आप हैरान होंगे जानकर के। आम आदमी की बात करते हैं, आप आम आदमी नहीं है, आप खास आदमी है। इस तरीके के पर्दे, टॉयलेट सीट जिसमें 15 फीचर्स हैं,
वर्ल्ड क्लास टॉयलेट सीट। आप वायदा करके आए थे कि गरीबों को पेंशन देंगे, विधवा लड़की को पेंशन देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने आपने पहला काम ये किया कि जो निगम बुजुर्ग महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन देता था आपने आते ही वो पेंशन बंद करा दी। ये शीश महल जो इन्होंने गारे पसीने से की कमाई को उसमें लगाया है, जनता हर ईंट का जवाब मांगेगी, क्योंकि उनके घरों में तो पीने का पानी नहीं है और परिवहन, उनको तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है और मुख्यमंत्री जी अपने शीश महल में बैठ करके आराम कर रहे हैं। आज महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, सभी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, वो भी हैरान है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की जो है पराकाष्ठा है। इसमें उन्होंने क्या किया, जो इनका शीश महल है उसमें से अब पहले केजरीवाल जी जब गए हैं तो वो उनकी, मुझे लगता है कि उनकी श्रीमती जी के कोई निर्देश होंगे कि वो जो शीट्स थी 10-11, 11-15 लाख की, वो शीट्स भी खोल के ले गए ऐसा मालूम पड़ा है। तो इसी के खिलाफ हमारी महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन है कि कम से कम इतना नुकसान तो ना करें सरकार का। उनको पता है कि अब आतिशी मारलीना जी आई हैं और वो जो हैं नई शीट लगा देंगी, वो क्या पता कितने की लगाएंगी, लेकिन अपने आका को जो उनकी मनपसंद शीट उन्होंने मुझे लगता है दिवाली पे भेंट की है, ऐसा मुझे ज्ञान। क्या लगता है ये मुद्दा और आगे कहां तक जाएगा? देखिए मुद्दा संभवतः आगे जाएगा और जनता तक नीचे तक ये जाएगा। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार, हमारे मंत्री, हमारी दिल्ली सरकार जिसको उन्होंने जो है सड़कें बनाने के लिए और दिल्ली को सुधारने के लिए बनाया था, वो आज क्या कर रहे हैं। युवा मोर्चा इस टाइम पे यही चीज सोचता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ये होती है कि जिस जनता ने आज से करीबन 10 साल पहले जिस आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था उसने बहुत सारे वादे करे थे जनता से कि भाई मैं प्रोटेक्शन नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, और आज उसके पास में सारी चीजें जो जो उसने मतलब अपने बहन बेटियों की कसमें झूठी खा लेता है। जो बंदा अपने परिवार का नहीं हो सकता वो दिल्ली का क्या होगा? और हमारा युवा मोर्चा का जो मेजर रोल रहता है वो ये रहेगा कि इस बात को बिल्कुल गहराई तक, बिल्कुल जनता के बेस तक हम लेके जाएं, झुग्गी झोपड़ी हो कहीं भी हो। अभी हमारा भाजपा की तरफ झुग्गी झोपड़ी चलो अभियान भी चल रहा है, हमने वहां पर भी इस चीज का जिक्र करा और अब जनता समझदार हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, जनता इस बार जो है बहुत सोच समझ के वोट डालेगी। और मुद्दे को लेकर के युवा मोर्चा कोई अलग रूप तैयार करने वाला? बिल्कुल, रूपरेखा ये तैयार होगी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सागर त्यागी जी और उन्होंने हमारे को ये चीज बोल रखी कि इस चीज पे युवा मोर्चा का, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल की जितनी वर्किंग होगी वो युवा मोर्चा ही करेगा। देखो महिला मोर्चा की ये योजना कि हम बूथ बूथ लेवल पे हम अपने बहनों को खड़ा कर रहे हैं और हम अपनी मातृशक्ति के माध्यम से ये दिल्ली की भोली वाली जनताओं को ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान सत्ता में आया आप लोगों को गुमराह करके कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई VIP कल्चर में नहीं रहना चाहूँ, ना गाड़ी ना बंगला कुछ लूंगा। गाड़ी बंगला की बात तो छोड़िए, अपने लिए तो सिक्योरिटी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी लेते हैं और साथ में अब शीश महल भी लेने लग गए हैं। और शीश महल खाली शीश महल नहीं, उसके अंदर की अगर आप देखेंगे तो ये कोई बड़े राजा महाराजाओं के घर भी इसमें मात खा जाएंगी कि जो जो सामान जितने जितने करोड़ों के इन्होंने सामान लगाया है, एक टॉयलेट लाखों की टॉयलेट लगाई है और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी को इन्होंने ये बोल के दिल्ली में सरकार बनाई कि हम आपको पानी और बिजली मुफ्त देंगे। सब पानी मुफ्त की बात तो छोड़ो, ना साफ पानी दे पा रहे हैं और बिजली का बिल एक एक घर में 4-5 हज़ार झुग्गियों में आ रहा है। तो आप सोचिए उनके पैसे को इन्होंने शीश महल में लगाया है। तो हमारी महिला मोर्चा ने ये दिल्ली में ये ठाना है, अब केजरीवाल को यहाँ से हटाना है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को लेकर सक्रिय मोड में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा दिल्ली भाजपा काफ़ी पहले से उठाती रही है और एक बार फिर से शीश महल के इस मुद्दे को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतरकर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।